नमस्कार, आप सभी दर्शकों का स्वागत है आपके अपने चैनल एस्ट्रोमित्रम में। इस वीडियो में दिखाई गई, उपयोग की गई अथवा प्रकाशित की गई सामग्री एस्ट्रोमित्रम के साथ पंजीकृत संबंधित लेखक ज्योतिषी से संबंधित है। इस वीडियो को केवल देखने के लिए YouTube से एक्सेस किया जा सकता है और इसे पुनः किसी भी माध्यम से प्रकाशित या वितरित करने के समस्त अधिकार एस्ट्रोमित्रम के अधीन है। सिंदूर का महत्व। मांग में सिंदूर सजाना सुहागिन स्त्रियों का प्रतीक माना जाता है। सिंदूरम शोभनम रक्तम सौभाग्यम सुखवर्धनम कामदम मोक्षादनम चैव सिंदूरम धारयाम्यहम्। ये लाइनें अपने आप में सुहागिन महिलाओं के लिए पंडित को बोलते हुए कई बार सुना होगा। इसका अर्थ होता है, लाल यानी रक्त वर्ण का सिंदूर धारण करने से सौंदर्य में वृद्धि होती है, सुख में वृद्धि होती है, कामना पूर्ण होती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। सिंदूर एक स्त्री के विवाहित होने की निशानी है तथा इसे विवाहित महिलाएं अपने पति की लंबी आयु की कामना के लिए लगाती हैं। सिंदूर में एक विवाहित का संपूर्ण ब्रह्मांड समाहित होता है। इस सिंदूर को न केवल शादी के प्रतीक के रूप में लगाया जाता है, बल्कि इसे लगाने के पीछे और भी कई कारण हैं। अगर स्त्री की मांग के बीच सिंदूर लगा हुआ है तो उसके पति की दीर्घायु होती है और उसके पति की अकाल मृत्यु नहीं हो सकती। जो स्त्री अपनी मांग के सिंदूर को बालों से छिपा लेती है, उसका पति लोक व्यवहार में छिप जाता है और वो अपने पति के प्रेम से वंचित हो जाती है। जो स्त्री बीच मांग में सिंदूर न लगाकर किनारे की तरफ सिंदूर लगाती है, उसका पति उससे किनारा कर लेता है। सिंदूर से मांग भरने से स्त्री की गोद भी संतान से सदा भरी रहती है। लाल सिंदूर से मांग भरने वाली स्त्री से माँ दुर्गा सदा प्रसन्न रहती है और उसकी कभी दुर्गति नहीं होने देती। लाल रंग से मांग भरने वाली स्त्री को कोई पुरुष व्यभिचार की दृष्टि से नहीं देख सकता, वो देवताओं के लिए भी वंदनीय हो जाती है। हमें आशा है कि यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करें हमारा चैनल एस्ट्रोमित्रम एवं किसी भी प्रकार की समस्या या ज्योतिष से संबंधित जानकारी के लिए हमें संपर्क करें। आपकी सहायता को सदैव तत्पर हमारी कुशल टीम आपसे जुड़ने की आशा करती है। धन्यवाद आपके समय के लिए।